एक सवाल तमाम अभ्यर्थियों के मन में जहन में आता है कि सर पढ़ने का मन नहीं करता, कैसे पढ़ें? भी परीक्षा दूर है, भर्ती नहीं आ रही है, हम अपने आप को कैसे जोड़ कर रखें, कैसे पढ़ें? पढ़ने की कोशिश करते हैं, मन इधर उधर हो जाता है, ध्यान भटकने लगता है, बार बार ख्याल आता है कि भर्ती नहीं आ रही है, परीक्षा नहीं हो रही है, हम कैसे पढ़ें? तो आज हम आपके साथ जो बात करने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इस बात पर फोकस करेंगे कि हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि सपने आपके हैं तो पूरे आपको ही करने होंगे। आपके सपने कोई और पूरा करने के लिए नहीं आएगा, और अगर आपने सपने बड़े देखे हैं तो मेहनत भी बड़ा होगा, लगन भी बड़ा होगा। बहुत बार ऐसा लगेगा जब आप टूट जाएंगे, बहुत बार ऐसा आपके सामने आएगा जब आपको ये लग पाएगा कि यार मुझसे नहीं होगा। फिर याद रखिएगा कि दुनिया में जितने सफल व्यक्ति हैं उनके सफल होने का कोई भी कारण जादू, मंत्र या कोई शक्ति नहीं थी, उनकी वास्तविक मेहनत और लगन रही है। आपने देखा होगा यूपीटेट हो, सीटेट हो, उनका जब परिणाम आता है तो 100 में से 100 लोग नहीं पास होते, उनका परिणाम 30 से 40% के बीच होता है, 20 से 40% के बीच रह जाता है। इसका मतलब आज भी 60 से 80% लोग हैं जो परीक्षा को केवल पास नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे लोग कतार में, हो सकता है आप भी हो, हम भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा परीक्षा देते हैं, तिबारा परीक्षा देते हैं, उत्तीर्ण भी करते हैं, लेकिन कुछ उत्तीर्ण भी नहीं कर पाते, और जो उत्तीर्ण कर पाते हैं, जो पास कर लेते हैं, वो फिर से एक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, और अंत में एक सहायक अध्यापक और अध्यापिका के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए प्राथमिक विद्यालय में नौनिहालों के भविष्य संवारते हैं। लेकिन याद करिए, सोचिए, अगर वो एक बार थक कर बैठ जाते, हार कर बैठ जाते, क्या वो सफल हो पाते? क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाते? हमेशा जब सपने आपके हैं तो आपको पूरा करना होगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप देख ही रहे हैं, तो पढ़ने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि परीक्षा में सवाल नहीं आते, आपने बहुत मेहनत की, तो लोग कहते हैं लक साथ नहीं दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगली बार भी आपके साथ ऐसा हो, फिर अगली बार आपके साथ ऐसा हो। एक समय ऐसा आएगा आपने पूरा सिलेबस, पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लिया होगा, प्रश्न कहीं से भी आए, जहां से भी आए, आप उसके अच्छे अंक अर्जित करते हैं, आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इसीलिए कभी भी, बहुत बार ऐसा होगा, आप अंदर से टूट जाएंगे, अंदर से हार जाएंगे, बस एक बात याद रखिएगा कि सपने आपके हैं, पूरा आपको करना है। कभी अफवाहें आएंगी, कभी परिवार के लोग कहेंगे मैं आपको अब नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं कब तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि पैसे आपके ऊपर लग रहे हैं, तो फिर ट्यूशन पढ़ाइएगा, कोचिंग पढ़ाइएगा, लेकिन खुद को कभी टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आप टूट जाएंगे आपको जोड़ने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए जब कभी भी आपका पढ़ने में मन ना लगे तो बस इतना सोचिएगा कि आपके गांव में अगर 100 लोगों हैं तो उसमें नौकरी 4 से 6 लोग 8 लोग करते हैं, बाकी लोग सरकारी नौकरी नहीं करते, और आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको, आप सभी को उन 92 लोगों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उन 92 लोगों से ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अब आपको एक सफल व्यक्ति की तरह सोचना पड़ेगा और अपने आप को उस सफलता की मोड़ पर कदम दर कदम बढ़ते हुए आगे बढ़ना होगा। यकीन मानिए, आप सफल होंगे और अपने माँ बाप, अपने परिवार का सपना भी पूरा करेंगे। इसलिए जब कभी भी आपको लगे आपसे नहीं होगा, नहीं पढ़ पाएंगे, मन नहीं लग रहा, तो फिर सोचिएगा कि आखिर और लोग, सफल लोग कैसे करते हैं। आपके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, उनमें 6 से 8 घंटे भी अगर आपने अपने पढ़ाई में और अपने इन जो कामों में दिया, तो फिर आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आप अपना बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं, और आपकी रेस हमेशा से सिलेक्शन के लिए था, सिलेक्शन के लिए है, और सिलेक्शन के लिए रहेगा। इसलिए हमेशा अपना बेहतर दीजिएगा, आप पढ़िए, आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर जुनून है, आप जैसे लोग जो इतिहास रचते हैं, और मुझे इस बात का भरोसा है आप जरूर करेंगे। जब भी पढ़ने मन लगे कुछ मत बोलिए, वीडियोस देख लीजिए, कॉमेडी देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, उसके बाद फिर लग जाइए अपने रेस की तरफ, अपने सपनों की तरफ। सपने आपके हैं तो आप अगर टूट गए तो उन्हें बनाएगा कौन, उन्हें पूरा कौन करेगा? चलिए फिर से लगते हैं अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए। तो आप सब साथ हैं, इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने सभी साथियों को बताइएगा, कभी खुद से मत हारिएगा, कभी खुद से मत टूटिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको कभी जीवन में हरा नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही e-learning with दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे e-learning with दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी। e-learning with दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012।